हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ एनटीएससी से रिलेटेड, हाउ टू क्रैक एनटीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हर एक एस्पेक्ट बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा एनटीएससी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक करने में। हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे जो आज का हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए एनटीएससी में फर्स्ट लेवल जो होता है सैट का पेपर होता है, मीन स्कॉलरशिप एटीट्यूड टेस्ट। स्कॉलरशिप एटीट्यूड टेस्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, वो मेंटल एबिलिटी से अलग होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं जो कि सीक्वेंस में रेंज होते हैं ट्रू एंड फॉल्स की केस में। मींस जैसे आपसे पूछ सकते हैं ये वाली कौन सी इनमें से चारों में से स्टेटमेंट ट्रू है, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आप इनको आसानी से आंसर दे पाएंगे। ये सब डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग्स और कंसेप्ट। जितना आपका ज़्यादा क्लियर होएगा उतने ज़्यादा आप जल्दी इन क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे वीडियोज लाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ कैसे काम करना है। इसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये तो साफ नाम से ही पता लग रहा है, जितना हमारा मेंटल एबिलिटी है उस हिसाब से हम इसको आंसर कर पाएंगे। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पैटर्न, प्रिसेप्शन, हिडन फिगर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लॉक असेंबली, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। और आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो मैट का पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसी में बच्चे अपने नंबर बना सकते हैं, तब जाके वो अच्छे से एनटीएससी को क्लियर कर सकते हैं, गुड मार्क्स के साथ एनटीएससी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड लेवल। जब ये स्टेज टू का एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करती है, तो आपको पता ही है, और जो कैंडिडेट इसमें भी आंसर मतलब सही आंसर देता है उसको जाके एनटीएससी की स्कॉलरशिप मिलती है। और आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, मैट का पेपर जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक आपका सैट का पेपर बिल्कुल भी चेक नहीं होएगा। मींस आपको मैट के पेपर में एटलीस्ट 60% नंबर लेने पड़ते हैं तभी जाके आपका सैट का पेपर चेक होएगा। उसके बाद बात आती है कि मैं आपको 10 टिप्स बता रहा हूं यहां पर जो कि एक एनटीएससी स्कॉलर से ली गई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए जो भी एनटीएससी एग्जाम देना चाह रहा है। तो सबसे पहली टिप है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का मतलब है आप कोई पास्ट एग्जाम का पेपर ले सकते हैं, जैसे मैं वीडियोज बनाता रहता हूँ पास्ट एग्जाम्स के पेपर को डाउनलोड कैसे करें, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तब आपको पता लगेगा कि ये वाला पार्ट मेरा अच्छा है, ये वाले पार्ट मेरी स्ट्रेंथ है और ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा कमजोर है, मीन्स इस पर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये भी मेरी एक स्ट्रेंथ बन जाए। आपका काम क्या होना चाहिए, जितनी वीकनेस है उन्हें भी अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। तो अब आते हैं सेकेंड उस पर। सेकेंड है फॉलो एनसीईआरटी बुक्स। इसका कहने का मतलब है भाई, जो भी पेपर आएगा वो एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। और एनसीईआरटी भी कौन सी, 9th क्लास की 10th क्लास की। सम कंसेप्ट प्लस वन के भी होते हैं पर आपको प्लस वन की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 4 या मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप अपने 9th के 10th के कंसेप्ट अच्छे से करते हैं तो आपका एनटीएससी आराम से क्लियर होएगा। तो अब चलते हैं थर्ड पे, वर्क ऑन योर सैट सेक्शन स्कॉलरशिप एटीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी तो प्रैक्टिस बार बार करके आ जाती है, पर ये सारा कंसेप्चुअल होता है और जनरल नॉलेज होता है कि हमने कितना समझा, कितना पढ़ा है 9th में और 10th में, उन सब की जनरल नॉलेज मिलकर काम आएगी। तो चलिए अब चलते हैं 4th टिप पे, सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। फ्रेंड्स मैं अक्सर वीडियोज लाता रहता हूँ और आपको बार बार कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहे, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे सैंपल पेपर लेके आ चुका हूँ पिछली वीडियोज में, आप उन्हें जरूर देखिएगा। उसके अंदर कम से कम आप एक सैंपल पेपर या 3 सैंपल पेपर एक वीक के अंदर तो एटलीस्ट, फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट सॉल्व करेंगे, तभी आपको कुछ अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तभी आप जैसे ही आप टाइम अकॉर्डिंग देख के टाइम के अकॉर्डिंग उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और जब आपको फाइनल पेपर होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत आराम से फिर आपका फाइनल पेपर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ, जब आपने सैंपल पेपर दिए उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी कहाँ कहाँ वीकनेस रह रही है, किस किस सेक्शन में वीकनेस रह रही है और कौन कौन से सेक्शन मेरा स्ट्रेंथ है, और जितनी भी अपनी वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। और जो भी आपकी, ऐसा नहीं हो कि आप आराम से कर रहे हैं चलिए तो हो जाएगा सही, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइनल है और आपको करना ही है, अच्छे से करना है, मतलब क्रिटिकल वे में करना है। उसके बाद है अप्लाई फाइंडिंग। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स जितना आप सर्च कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के, एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हैं उनको करें सर्च, जैसे जो आपका वीक पॉइंट है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, उनके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर एक जो वीक पॉइंट है उनको ज़्यादा टाइम दें एज़ कम्पेयर टू लेस वीकर पॉइंट,
पॉइंट, क्योंकि उसमें फिर भी आपका ठीक है, और जब वो सारे वीक पॉइंट क्लियर हो जाए तो आपको सभी पॉइंट्स की अच्छे से रिवीजन करनी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर लेके आया हूँ मैं आपके लिए रेफरेंस बुक्स, कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं NTSC को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले और मेरी फेवरेट जो है RS अग्रवाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मैट को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आती है अरिहंत एंड टाटा गहिल की बुक, उसके अंदर फ्रेंड्स मॉक पेपर मिल जाते हैं NTSC से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनलाइन बुक्स लाता रहता हूँ, तो आप इन्हें चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे NTSC क्लियर करने का सपना भूल जाइए बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो 3-4 घंटे की होनी चाहिए NTSC क्लियर करने के लिए। आप खुद सोचिए NTSC का कितना बेनिफिट है आपके लिए आने वाली लाइफ में, तो आपको NTSC तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो लास्ट टिप मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि यही आपकी NTSC क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूल।